सो जेन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सर्स भी बड़ा बेहतर है, डेफिनेटली अच्छे होंगे। आप में से जितने भी कैंडिडेट ने इंडियन एयर फोर्स सेक्शन वाई ग्रुप का स्ट्रेस फर्स्ट का एग्जाम क्लियर किया है, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट का डाउट होता है मेडिकल एग्जाम को लेकर। बेसिकली इंडियन एयर फोर्स पर सिलेक्शन के लिए एग्जाम को क्रैक करना नहीं होता है। पहले हमें भी नहीं पता था ये चीज़ें, जब हमने एग्जाम दिए तो मतलब फर्स्ट नहीं सेकेंड अटेम्प्ट था, कानपुर सेंटर पे साया था, तो वहाँ पे सर ने बताया कि आप सभी जब मतलब री मेडिकल मिला हमें, तो सर ने बताया कि आप सभी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर लेते हो, जी जान लगा के कहीं ना कहीं स्टेज टू के लिए प्रिपरेशन कर लेते हो, बट मेडिकल एग्जाम के लिए आप सब बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करते, मतलब मेडिकल एग्जाम सीधा देने चले गए। नॉर्मल ऐसे ही होता है ना कि मेडिकल का डेट मिलता है और मेडिकल एग्जाम देने चले जाते हैं। तो भाई मेरे अभी से कुछ एक दो तीन साल पहले हाँ होता क्या था कि जब मेडिकल एग्जाम हम देने जाते थे ना, तो हमें वहाँ पे सिंपल सिंपल सा चीज़ें क्या बताई जाती थी, कानपुर सेंटर वगैरह पे 3-3 दिन मेडिकल चलता था। 3 दिन कैसे कि पहले पहले दिन पूरा का पूरा मेडिकल एग्जाम हुआ, कुछ दिन दूसरे दिन कुछ चीज़ें बाकी रह जाती थी, तो उनका मेडिकल टेस्ट होता था, फिर को नेक्स्ट डे आप सभी को बुलाया जाता था ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड मिलने के लिए। ठीक है, अगर आपका री मेडिकल हुआ तो आपको फिर रिफ़र कर दिया जाता था, मतलब बिहटा जैसे आपने फेस टू दिया तो आपको गोरखपुर भेज दिया जाएगा। गोरखपुर में केवल मेडिकल एग्जाम होता है, तो कानपुर में अगर आपने दिया तो आपको या तो बरेली भेजते हैं या फिर गोरखपुर, गोरखपुर बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे गोरखपुर के लिए आपको रिफ़र कर दिया जाएगा। और एक बात और बताते हैं, नेवी में हमें मिलता है 21 दिन का समय मेडिकल एग्जाम के लिए, कि 21 दिन के भीतर आप कभी भी जा सकते हो। एयरफोर्स में हमें क्या होता है कि हमें एयरफोर्स में टाइम नहीं मिलता, एयरफोर्स खुद डेट बताता है कि 14 तारीख को आपका री मेडिकल एग्जाम है। हाँ, आप में से लगभग 45 कैंडिडेट का री मेडिकल एग्जाम के लिए लगभग बुलाया जाता है, मतलब डेट दी जाती है मेडिकल एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे वो लोग एक चीज़ करा सकते हो। आप चाहें उस जगह पे तो सर से बोल सकते हैं कि सर मेरा 14 को सी डी एस का पेपर है, एनडीए का पेपर है, तो मेरा 15 को या 16 को करा दीजिए अगर पॉसिबल हो, तो उस दिन वो चीज़ हो जाती है। ऐसे एग्जाम का नहीं होता सर, लेकिन मेडिकल एग्जाम का हो जाता है। तो पहले नंबर मेडिकल एग्जाम कब होता है फेज टू के बाद, तो फेज टू आपका जुलाई पे प्लान है, मैं आपको डेट भी बता दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप सभी को ऑलरेडी अपडेटेड और काफ़ी कुछ कंटेंट के साथ में मिलता रहता है। स्टेज टू की प्रिपरेशन भी अपन करा रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी शेयर कर दूंगा विद मिनिमल फीस। ठीक है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आराम से मतलब आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिव्यू के तौर पे आप चाहें तो लास्ट बैच का देख सकते हैं, लगभग 95% अबव सिलेक्शन रेट है, तो फिर आपको मतलब डाउट करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम 15 से 20 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब फेज टू होगा तब तक हम कैसे क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कैसे क्या वहाँ पे होता है सिस्टमेटिक वैसे, मतलब सब चीज़ें यार बेसिकली गाइडेंस मैटर करता है, बाकी रेडी इजी होता है, जो कहता है हार्ड होता है या फिर ये वो, तो वैसे ही है भाई, इतना कुछ हार्ड हार्ड होता नहीं। चलो मेडिकल एग्जाम के बारे में बताते हैं। सर मेडिकल एग्जाम कब होता है? फिलहाल क्या होता है, जैसे आप जिस दिन आपका फेज टू होगा, मान लो जुलाई पे होगा आपका, तो कितना आपको समय मिलेगा, ये मैं मेडिकल वाला वीडियो बनाने के पीछे का मेरा एक ही रीजन था कि अगर आप किसी को कोई समस्या हो तो अभी सही करा सकते हैं, नहीं तो बाद में सही कराने का मौका नहीं मिलेगा और फिर वो बाहर हो जाएगा। जैसे आई में दिक्कत है, हाँ कंटिन्यू रिवीजन कराना चाहो तो करवा सकते हो, लगभग मैं आपको वो भी बता दूंगा अगर किसी को जानना है कि कैसे होता है। किसी का ईयर वैक्स का कह रहा हूँ, DNS का पॉइंट है, पहले भी बार बार अनफिट होता आ रहा है, वो अब अफोर्ड कर सकता है तो उसे डेफिनेटली कराना चाहिए था। मेरे पास भाई रुपए नहीं थे, मैं नहीं चाहता था कि लाइक तब, अब लगता है कि तब पापा उधार ले लेते तो बहुत अच्छा था, तब परमानेंट रिक्रूटमेंट था, बट मुझे तब लगता था कि रुपए नहीं है तो क्यों ही पेरेंट्स से कहें कि किसी से रुपए उधार लो, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप सभी को मेडिकल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। पहला नंबर तो आपका मेडिकल एग्जाम कब होगा, जैसे आपने फेज टू क्लियर किया, आपका लगभग मैं डेट बता दूँ तो मिड जुलाई से पहले ही होगा। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक पे आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी मैं डेट भी बता दूंगा यार, डेट भी पता है, मान लो ऐसे बता नहीं रहा बस आप समझ जाओ। ठीक है, अब जुलाई मान सकते हैं कि आपका होगा, उसके बाद जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद लगभग 15 दिन के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। फेज टू क्लियर होने के 15 दिन बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। री मेडिकल मेडिकल में कंफ्यूज मत होना, मेडिकल एग्जाम में अगर फंसते हो तो आपको री मेडिकल की डेट फिर से मिल जाएगी 10 से 15 दिनों के बाद, बाकी आपका मेडिकल एग्जाम जो होगा वो स्टेज टू कम्प्लीट होने के 15 से 15 दिन बाद ही मिल जाएगा, मैक्सिमम होंगे 15 दिन। ठीक है, तो आप इस बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मेडिकल एग्जाम चेकअप कराना चाहिए कि नहीं, मतलब कि अगर आपका मिड जुलाई पे लगता है स्टेज टू, तो आपका एंड ऑफ जुलाई आपका मेडिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, री मेडिकल एग्जाम अगर आपको मिल जाता है तो मिड ऑफ अगस्त मान सकते हैं आपका री मेडिकल एग्जाम होगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है,
जी भैया, इतना तो समझ आ गया, हमें मेडिकल एग्जाम कराना चाहिए कि नहीं, कोई फीस बहुत? देखो मैं सिंपल से बता देता हूँ, मेडिकल एग्जाम कंप्लीट कहीं पे भी कराने जाओगे ना, लोग अननेसेसरी बहुत रुपया लेते हैं, मैं बेमतलब की चीज़ें होती हैं वो। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, आप अगर कराना चाहते हैं तो ईसीजी टेस्ट करवा सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एयरफोर्स में ऐसे मान लो टेबल होता है भाई मेरे, ऐसे आपको लिटा दिया जाएगा, यहाँ पे पूरे में ऐसे लिटा दिया जाएगा ऐसे करके, और वहाँ पे क्या होगा, आपके ऐसे 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 बॉडी पे पूरा आपका मतलब आप प्योर अंडरवियर पे हो गए, ठीक है? फॉर मेल कैंडिडेट बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ तो आप, बाकी मुझे फीमेल का पता नहीं है, मैं किसी फीमेल कैंडिडेट से कन्वर्सेशन करके कि मैम कैसे चेक किया था इस बार वहाँ पे, आपको वो चीज़ भी अपडेट कर दूंगा अगर कोई देख रहा हो तो, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, एक मेल कैंडिडेट के तौर पर ना, पर्सनली अपने साथ में ऐसे काफ़ी बार हुआ है, अपने हिसाब से क्या, जितने लड़के होते हैं सबके साथ में ऐसे होता है, ऐसे टेबल पे मैं लिटा दिया जाता है, और ऐसे बॉडी पे ऐसे 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 हर जगह पे मतलब ऐसे यहाँ पे भी ऐसे लगा दिया जाता है ईसीजी, और फिर वो हार्ट बीट चेक करता है। बेसिकली जो लड़के होते हैं साथ में वो कहते हैं यार पॉजिटिव सोचना, हाँ कुछ अच्छे सीन सोचना, कुछ कहते हैं कि कोई मूवी का डायलॉग सोचना, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचना, मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है ईसीजी, अगर फंस जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल चांस होते हैं कि क्लियर हो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आई का टेस्ट करवा सकते हो, कहीं पे भी जाके किसी भी शॉप में करवा सकते हो यार, 150 रुपये खर्चा है, ठीक? अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मेडिकल टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे, ये फीस वो फीस वाला टिका ना, तो भाई सिखा रहा है आपको, बेमतलब इतने फीस देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल से 2-3 टेस्ट करवाना अगर चाहो, आपके आप अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली करवा लेना, ठीक है? मैं बता देता हूँ, आइज का टेस्ट करवा लेना कि आपकी आइज फिट हैं कि नहीं, ठीक है? दूसरा नंबर, आप अपना टेस्टिकल, ठीक है? आप मतलब आपको या फिर खुद ही पता होगा यार कि 1930 का कुछ ऐसा खेल नहीं है, सारी चीज़ें ऐसा ही है, तो फिर वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका ये इसको भी कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका हैंड बैन या फिर, क्योंकि ये 4 दिनों में सही होता है नहीं, ओके? फ्लैट फुट वगैरह हो गया, फ्लैट फुट वगैरह भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईयर बैग्स वगैरह क्लीन एंड क्लियर, ठीक है? आपको सुनाई प्रॉपर दे रहा हो, ईसीजी और आइज और डीएनएस, ये 3 पॉइंट है। डीएनएस आप कहीं भी दिखा सकते हैं, आईज तो आप नॉर्मल है यार, कहीं पे भी आप कहीं पे भी हो ना, मार्केट पे जाओगे आपको आईज का डॉक्टर मिल ही जाएगा, वो चेकअप करा लेना, ठीक? उसके बाद आपका ईसीजी और हार्ट बीट, ब्लड वगैरह इतना सब कुछ होता नहीं, इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स पे कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होता है, एक्सरे वगैरह भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल आप सभी को। ये 2-3 टेस्ट अगर आप सभी कराना चाहें तो करवा सकते हैं, मेरी तरफ से आप सभी के लिए रिकमेंडेशन है कि हाँ करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी यही है, 15 से 20 दिन बाद होगा। बाकी आप सभी जो भी कैंडिडेट हैं, आप सभी के जानकारी में HS2 के प्रिपरेशन में करवा रहा हूँ, फीस 249 रुपीज़ है, फीस ज़्यादा नहीं है यार, मैं सिंपल सब क्या ही बताऊँ, कि इतना बता चुका हूँ बार बार वही चीज़ सेम टू सेम, लगभग 100 टॉपिक करेंगे, ठीक है? एक बुक भी खरीदते हो ना यार, एक कोई PDF भी सेल करता है ना, तो 150-200 रुपये की PDF सेल करता है, मैं उस 200 से 250 रुपये में 100 से भी ज़्यादा क्लास करूँगा, डेली न्यूज आर्टिकल पेपर शेयर करता हूँ, उसके बाद कंटेंट को टाइप करता हूँ रिले, और ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि PDF मैं भी मतलब बुक किसी से कह के टाइप करवा दूँ, छपवा दूँ, लेकिन मैं खुद ही लिखता हूँ यार, वो मतलब पॉइंट छोटे छोटे से आप देखोगे ना, रिलेवेंट कंटेंट छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, कि अगर कोई एजुकेशन टॉपिक से आप रिलेट करके आ रहे हैं ना, तो आप वही चीज़ें बोल पाएँ और आपको उतने में सिलेक्शन हो जाए। मैं उतना वो नॉलेज दे ही नहीं रहा हूँ कि बहुत सारा आपको बिल्कुल GD में उड़ा दे रहा है सबको, मैं क्लियर कराने के लिए आपको चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @AnshuSingh2, यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख रहा होगा, आप सेम टू सेम जाके @AnshuSingh2 सर्च करेंगे ना और मैसेज करेंगे तो मैं ही मिलूंगा, वहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, HS2 के बैच में कैसे जुड़े, 100 से भी ज़्यादा क्लासे हैं, डेली PDF, डेली आप सभी के साथ में कन्वर्सेशन, हाँ सैटरडे संडे हम GD क्लासे भी करेंगे, तो सारी की सारी मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। जिनको ऑफलाइन का लग रहा हो यार, डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट उसकी कोई नीड नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो, मतलब क्या ही बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं कानपुर से हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में लगभग 400 से 500 किलोमीटर होगा, तो यार रात में श्रम शक्ति ट्रेन भी जाती है, अगर उसका भी हम स्लीपर का टिकट करेंगे ना, 400-500 का टिकट ही हो जाएगा, उसे हाफ प्राइस में मैं आपकी GD प्रिपरेशन करवाता हूँ, फिर वहाँ जाओगे रहना खाना पीना, उसके बाद रूम, और उसके बाद कोचिंग फीस, और फिर उसमें पता लग रहा है कि कुछ लोगों ने मुझे वीडियो शेयर की कि 20 दिनों में GD की प्रिपरेशन, यार ऐसे कैसे होता है, ठीक है? कंटिन्यू तो रहना पड़ेगा ना एटलीस्ट जब तक GD नहीं हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक मतलब 30 दिनों में इंग्लिश बोलना सीखे हैं, ऐसा वाला तो कोई कोर्स है नहीं ना, तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।